हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को एक और मेरे नए ब्लॉग में। तो अल्सो नोन एज आई एम नितेश एन के चौरसिया। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोग के पास पहुँचता रहे। दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं, आज जाएंगे हम लोग करौली बाबा यानी कि कैंची धाम, जो कि काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों, इसके पिछले बार हम गए थे नैनीताल, तो हम लोग का बाइक लोड नहीं ले रहा था, तो आज हम दूसरा बाइक एक्सचेंज करते हैं मैनेजर साहब की बाइक से और उस बाइक को लेकर चलते हैं। अभी रास्ता में कुछ दूर बड़े होते हैं तो हल्द्वानी जंगल हम लोग को आज दिखता है हिरन, जो कि आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस, फाइनली हम लोग अभी डिस्टेंस तय कर चुके हैं अपने रूम से, 30 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं, और उसके बाद कुछ देर रुक कर हम यहाँ पर रेस्ट करते हैं और फिर से पहाड़ियों के रास्ते में चल देते हैं। तो गाइस, अभी ये काफ़ी तीखी तीखी मोड़े हम लोग को भिड़ा रही है, जिसको हम लोग पार करते हुए लगातार कंटिन्यूस आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइस, आज हम आप लोग के इस ब्लॉग में हर एक दृश्य दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रुककर हम लोग थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, ताकि काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा है, क्योंकि दो दिन से हम लोग सोए नहीं है कंटिन्यूस, 300-300 किलोमीटर बाइक चल रहा है। तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं, ताकि रास्ते में नींद ना आए, और यहाँ से फिर वापस निकलते हैं पहाड़ियों में। तो गाइस, आज का व्यू काफ़ी मतलब खतरनाक दिख रहा है, तो आज के व्यू को हम ज़्यादा नहीं स्किप करेंगे, आप लोग को सभी व्यू दिखाएंगे। अगर आप नैनीताल या नीम करौली बाबा कभी नहीं गए हैं, अगर आने वाले हैं या अगर घर बैठे देखना चाहते हैं, तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, ताकि आज हम इस बिना स्किप किए हुए आप लोग को एक एक दृश्य और एक हर एक चीज़ आप लोग को रास्ता दिखाएंगे, जो कि काफ़ी आप लोग को आनंद आने वाला है। तो गाइस, हम लोग काफ़ी नज़दीक है नीम करौली बाबा से, अब डिस्टेंस हम लोग तय कर चुके हैं लगभग 60 किलोमीटर, अब भवाली से यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और है नीम करौली बाबा, जो स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में जो काफ़ी ज़्यादा बड़ाई किया था। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, और ऐसा होता है कि नहीं। नीम करौली बाबा एक्चुअली जो थे वो हनुमान जी को रूप माना जाता है उनका, जो काफ़ी फेमस है। उनका जन्म शायद उत्तर प्रदेश में हुआ था और यहाँ आके वो अपना तपस्या वगैरह किए थे। तो गाइस, देख सकते हैं व्यू खतरनाक कितना दिखाई दे रहा है पहाड़ियों में। तो जो लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई करने के बाद घूमेंगे या जॉब हो जाएगा तब घूमेंगे, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं जो मेरे भैया हैं वो खुद ऑलरेडी जॉब करते हैं और पैसा तो कमा रहा है, लेकिन घूमने का थोड़ा भी समय नहीं है, और जो इस समय घूमने मज़ा वो जॉब करने के बाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सच में जब समय नहीं मिल पाता है। यहाँ पर आने के बाद ही हमने अनुभव कर लिया, क्योंकि मैनेजर साहब खुद बोल रहे थे कि आओ घूमने चलेंगे, और यहाँ पर आए तो उनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। तो इसलिए अभी घूमने का समय जो है वो घूम लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग को थोड़ा भी समय नहीं मिलने वाला है, ये लिख कर रख लीजिए। और ये खूबसूरती पहाड़ों में थोड़ा भी स्किप करने का मन ही नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि पूरा 2 घंटा का मूवी बना दे इस ब्लॉग में। तो गाइस, ये भी काफ़ी फेमस जगह है, इसका नाम है पायलट बाबा, ये हमारे पायलट बाबा हैं जो बजरंगबली, पायलट मतलब जो एरोप्लेन जैसा होता है उड़ते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हवा में उड़ते थे, तो इनका नाम पायलट बाबा रख दिया गया यहाँ पर। तो पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध फेमस मंदिर है, जो कि यहाँ पर भी काफ़ी मैदान में भीड़ लगता है यानी हनुमान जयंती पर, तो इसको दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। और ये देखिए गाइस, लग रहा है कि कश्मीर का पहाड़ है, बस यहाँ पे बर्फ नहीं है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा सर्दी हो गया है, बारिश भीग गए हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा वॉइस। और यहाँ से लुक देख सकते हैं, तो गाइस फिर से रुक कर रेस्ट करते हैं, क्योंकि फिर से दोबारा नींद आने लगा था हमको, आज नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि 2-3 दिन से आप लोग बता चुके हैं कि सोए नहीं है सही से और कंटिन्यूस ट्रेवलिंग हो रहा है। तो फाइनली गाइस, हम नीम करौली बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ लगभग 2 किलोमीटर पहले से भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चलकर अपना बाइक पार्क करते हैं और उसके बाद चलेंगे बाबा का दर्शन करने। नीम करौली बाबा की जय हो।
राइस बाइक पार्किंग करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपना जूता चप्पल बाहर निकलना होता है, तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जूते और चप्पल रखने और बैग रखने का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क बिल्कुल सेवा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अपना बैग और जूता रखते हैं और उसके बाद नीम करौली बाबा का मेन गेट पर आ जाते हैं। और गाइस यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है, तो हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं और अंदर वीडियो शूट करना सख्त मना है। तो आज हम इस नियम का पालन करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि कोई मोबाइल नहीं बाहर निकाला था, तो हम भी नहीं निकालेंगे। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करेंगे, उसके बाद हम भी नहीं करेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपना पैर वर धो के मतलब क्लीन होते हैं और उसके बाद लाइन में लगकर चलते हैं करौली बाबा का दर्शन देने, दर्शन करने। तो गाइस दर्शन करके आ चुके हैं, प्रसाद में यहाँ पर मिल रहा है चना, और जो बोला गया था इसके बारे में कि हाँ यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल शांति अनुभव होता है। तो गाइस हमको विश्वास नहीं हो रहा, हम खुद बोल रहे तो लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये नीम करौली बाबा के अंदर जब हम प्रवेश किए तो काफ़ी ज़्यादा मेरे माइंड में कुछ कुछ बात चल रहा था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सच में हमको खुद लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं चल रहा था, बस हम केवल आगे बढ़ते जा रहे थे और दर्शन करके बाहर आए, एकदम लगा कि कुछ अजीब सा फील हुआ और बिल्कुल शांत माहौल है और शांति जगह है। तो गाइस अब दर्शन करके हम फिर से वापस निकल चुके हैं अपने रूम के लिए। तो एक और देखे हैं गूगल पर सर्च किए हैं टूरिस्ट पैलेस, इसके नज़दीक तो दिखाया है भीमताल, एक नैनीताल है और एक भीमताल है, तो अपना रूट चेंज करके चलेंगे भीमताल। तो गाइस देख सकते हैं पहाड़ पर, आधे पहाड़ में धूप और आधे पहाड़ में छांव, और ये गाइस फाइनली हम लोग भीमताल पहुंच चुके हैं जो कि नैनीताल के हूबहू कॉपी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उसके इतना भीड़ नहीं होता है, लेकिन उससे अच्छा ही, अगर इसको डेवलप कर दिया जाए तो उससे अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में आइसलैंड एक घर बनाया गया है और वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल पानी है। और गाइस यहाँ पे ठंड इतना ज़्यादा लग रहा है कि ठंडी का मौसम है। और ये भीमताल को हम लोग पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि कुहासा, ये गर्मी में कुहासा हम पहली बार देख रहे हैं इतना। और गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, हम तो फुल शर्ट पहने थे लेकिन भैया मेरे हाफ टी शर्ट पहने थे, तो उसको ज़्यादा ठंड लग रहा था। देख सकते हैं 50 मीटर आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लग रहा है बिल्कुल ठंडी का कुहासा है। देखिए गाइस ये कुहासा, ठंड तो लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, मज़ा आ गया इस ठंडी में। बहुत अच्छा किए कि हम इस रूट से चल आ गए, नहीं तो ये मोमेंट मिस कर देते हम, इतना पहाड़ में ठंड हम पहली बार महसूस कर रहे हैं। कैमरा में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन सामने से बिल्कुल आनंद आ जा रहा है इस दृश्य को देखते, मन कर रहा है बार बार हजार बार देखें। तो गाइस घर से बाहर निकलिए और ये देखिए गाइस शरीर के ऊपर से बादल यानी कि बाष्प बनकर जा रहा है। तो गाइस सर रूम से बाहर निकलिए और घूमिए फिरिए, मौज कीजिए, बाद में पता ना क्या होगा, अभी ज़िंदगी है तो अभी मौज कर लीजिए, बाद में किसी मत पड़िए। तो आज के ब्लॉग करते हैं एक समाप्त, मिलते हैं फिर ऐसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल वीडियो अब तक पहुँच सके।